हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशिमा। फ्लेवर्स इन आशीष किचन में आपका स्वागत है। इस बार मैं आपके लिए पनीर से बनने वाली स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। वो है पालक पनीर की रेसिपी। पालक पनीर ना तो होटल की और ना ही ढाबे की अच्छी लगती है। मेरा मानना है पालक पनीर सिर्फ और सिर्फ घर की बनी हुई, मम्मा के हाथ की बनी हुई अच्छी लगती है। ये रेसिपी मुझे मेरी मम्मा से मिली है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो चलिए, आज मैं आपके साथ अपनी मम्मा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। ये मैंने 500 ग्राम जितनी पालक ले ली है। इसे धो के काट के रेडी कर दिया है। अब ये सारी पालक मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। आप चाहें तो आप इसे कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं, पर कुकर में बॉईल करने से पालक का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर आप इसे कढ़ाई में बॉईल करेंगे तो ये बिल्कुल हरी हरी दिखेगी आपको। अब मैंने इस पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है और बिल्कुल हल्का सा सॉल्ट डालेंगे ताकि पालक अच्छे से बॉईल हो जाए। पालक, सॉल्ट और पानी को अच्छे से मिलाएं, मिक्स कर दें। उसके बाद कढ़ाई के ऊपर ढक्कन लगाएं और मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पालक को थोड़ा सा बॉईल कर लें। अब 2 मिनट हो गए हैं और पालक भी बॉईल होके रेडी हो गई है। मैंने गैस को भी बंद कर दिया है। पालक को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद इसे मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे। अब जब तक पालक ठंडी होती है तब तक मसाला बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने 2 छोटे प्याज ले लिए हैं बारीक काट के, 3 बड़े टमाटर ले लिए हैं, देसी टमाटर लिए हैं मैंने दरदरा कूट के, 1/2 छोटी चम्मच जितना सूखा धनिया पाउडर ले लिया है, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ले लिया है, 1/2 छोटी चम्मच नमक ले लिया है, 1/2 छोटी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, 1 छोटी चम्मच जितना किचन किंग ले लिया है, 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन और हरी मिर्च बारीक काट के ले लिया है, 120 ग्राम जितना पनीर ले लिया है क्यूब्स में काट के। अब मसाला बनाना शुरू करते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में 3 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन और हरी मिर्च बारीक काट के। इसे धीमी धीमी खुशबू आने तक अच्छे से पकाएंगे। लहसुन अदरक हरी मिर्च की अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए 2 प्याज और प्याज को भी 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। प्याज को भूनने के लिए इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जितना नमक। नमक मैंने पालक को बॉईल करने के लिए भी डाला था, तो यहाँ पे नमक को ध्यान से डालें। अब प्याज भी अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 3 देसी टमाटर, बड़े टमाटर थे ये, दरदरा कूट के। आप इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा मोटा ही अच्छा लगता है। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जितना हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच जितना सूखा धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच जितना किचन किंग पाउडर। किचन किंग में सारे खड़े मसालों का फ्लेवर होता है। पालक पनीर में बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाएगा बिना खड़े मसाले डाले। अब मसाले को अच्छे से भूनने के लिए इसमें 1/2 कप जितना पानी डालेंगे और पैन को ढक्कन से ढक कर मसाले को अच्छे से भूनने देंगे। जब तक मसाला भूनता है पालक को ग्राइंड कर लेते हैं। इसको दरदरा ग्राइंड करना है, पल्स मोड पे ग्राइंड करना है। मतलब मिक्सी को चलाएंगे बंद करेंगे, चलाएंगे बंद करेंगे, लगातार चलाकर नहीं रखना है। बहुत ज़्यादा फाइन पालक अच्छी नहीं लगती है,
थोड़ा सा दरदरा कूटा हुआ होना चाहिए। देखिए पालक दरदरी पीस ली है मैंने, ये देखिए कितनी हरी हरी है। अब मसाला भी भून के रेडी हो गया है, मसाले को भी चला लेते हैं एक बारी फिर से। बस इतना ही भूनना है मुझे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना था क्योंकि पालक डालने के बाद भी हम थोड़ा सा इसे भूनेंगे। ये जो भी पालक हमने ग्राइंड की है ये सारी की सारी डाल दें, और मिक्सी में अभी भी थोड़ी सी पालक लगी हुई है इसमें थोड़ा सा पानी डालें, इसकी प्यूरी बनाकर मसाले में डाल दें। अब पालक और मसाले को अच्छे से मिलाएं और पैन को ढक्कन से ढककर पालक को 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पकने दें, मसाले के साथ अच्छे से मिक्स होने दें। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, पालक भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इस स्टेज पर 120 ग्राम जितना पनीर जो हमने काट के रखा था वो इसमें डाल दें, और पनीर डालने के बाद भी इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लें ताकि पनीर इसके साथ अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए अब पालक पनीर बनके पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब पालक पनीर को सर्व कर लेते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी पालक पनीर बनके रेडी हुआ है। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है और मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे, इसे बनाएंगे, इसे खाएंगे तो आपको भी अपनी मम्मा की याद ज़रूर आएगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशिमा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं। थैंक यू।